योगिनी हेमलता शर्मा था, शर्मा का योगास्ली योगा सोसाइटी परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज हम अभी 5 मिनट के अंदर ही चक्रा एक्टिवेशन क्या होता है, कैसे चक्रास की एनर्जी को, एनर्जी सेंटर्स की एनर्जी को एक्टिवेट करके उसको हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। हमारे स्वयं के अंदर इतनी शक्तियां हैं, इतना पावर है कि हम चाहें तो उन शक्तियों को पहचान के, जान के बहुत कुछ जीवन में सरल बनाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। पर सच पूछो तो हमारी जो ये इंद्रियां हैं, आंखें और कान, ये हमेशा बाहर ही देखती है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर भी हम झांक के देखें कि कितना सुंदर, जैसा बाहर का एक पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, हमारे अंदर भी इतना ही ब्रह्मांड और इतना ही सुंदर साउंड्स हैं और इतनी ही सुंदर संरचना है, एक अपने आप में देखने लायक कि हम क्या हैं। और उसके साथ में ही ये जो पुतला बैठा है, ये फिजिकल बॉडी जो हमारी बैठी है, इसके अंदर जो आत्मा का निवास है, हम मानते हैं कि आत्मा अंदर है पर कभी उसको देखने का प्रयास नहीं किया, तो उस आत्मा के उजाले को हम और बढ़ा सकते हैं, प्रकाशमय कर सकते हैं और उस आत्मा के उजाले को और बढ़ा के आत्मशक्ति को जनरेट करके, एक्टिवेट करके हमारे जीवन को कहीं हद तक हम सरल बना सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी सेंटर्स। जैसा कि नाम ही है एनर्जी सेंटर्स, तो ऐसे स्थान हैं हमारे शरीर के अंदर जहाँ पे एनर्जी लोकेट रहती हैं, स्थिर रहती हैं। उन एनर्जी सेंटर्स पे हम फोकस करके अपने ध्यान के माध्यम से, अपने कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से उस एनर्जी पे हम ध्यान लगा के उन चक्रास की एनर्जी का ऑरा और दायरा बढ़ा के हम उसको अपने फिजिकल फिटनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने मेंटल फिटनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इमोशनली हम स्ट्रांग बन सकते हैं। और अपने आप के अंदर ही इतनी सारी ऊर्जा है, ताकत है, एनर्जी है, उसको समझ के हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज की कक्षा का शुभारंभ करेंगे। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप जाके एक ऐसे स्थान पे आप बैठें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ कोई बहुत कम साउंड आए और आप मेरी आवाज़ अच्छे से सुन पाएँ और वास्तव में शरीर के अंदर उन एनर्जी सेंटर्स को देख पाएँ, विजुलाइज कर पाएँ, उनकी ऑरा को विजुलाइज कर पाएँ और वो ऑरा आपको कितनी 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 सारी ऊर्जा आपके शरीर के सेल्स में पहुंचा रहा है, इस बात को आप समझ पाएं। और फिर जब हम ऐसा फील करेंगे कि हमारे शरीर का रोम रोम ऊर्जावान हो चुका है, तो अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा, मेंटली फिजिकली अपने आप में बहुत स्ट्रांग फील करेंगे हम। तो कृपा करके ऐसे स्थान पर बैठें जो स्वच्छ हो, साफ हो। दूसरी बात, जब हम स्पिरिचुअल एनर्जी को, आध्यात्मिक एनर्जी जो है, जब वो उसको हमारे शरीर के अंदर उतारने जा रहे हैं, तो शरीर आपका पवित्र होना चाहिए, पात्र अच्छा होना चाहिए। तो फिर ईश्वर की एनर्जी को, आध्यात्मिक ऊर्जा को, स्पिरिचुअल एनर्जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही उतरे तुझ में आदि योगी, तो वो स्वयं ही आपके अंदर अपने आप ही उतरती हैं। ईश्वरीय सत्ता आपके अंदर बहती हैं ऊर्जा बनके, आत्मशक्ति बनके। तो जैसा कि मैंने कल बताया था आपको इवनिंग में आगे कि चक्रास जो हैं, ऐसा हम मोटे मोटे तौर पे मान के चलेंगे क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा चैप्टर है एनर्जी सेंटर्स का, चक्रा एक्टिवेशन का। तो मोटे तौर पे हम मान के चलेंगे कि पहली जो बातें हमको ध्यान में रखनी है कि कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो, कमर सीधी रखेंगे आप। दूसरी बात,
सारे चक्रास को, जैसे आपका ये कमर जो है वो कमर पे सारे चक्रास एक डिस्क के रूप में आप फिक्स मानेंगे। जहाँ भी आपको लोकेशन बताया जाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन स्थान पे, लोकेशन पे आप ध्यान लगाएंगे और वहाँ पे विजुलाइज करेंगे कि वहाँ पे वो चक्र आपके जो है वो स्पाइन के चारों तरफ फिक्स है, ठीक है। दूसरी बात ये आप दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये कि जब भी हम ऐसा देखें तो आपको अपना जो ये ज्ञान है इस ज्ञान को थोड़ा सा उतार के रख दें, ठीक है। जैसा कहा जा रहा है सिर्फ वैसा ही अपने ध्यान को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को लगाने की कोशिश करें। आनंद की आप ये मान के चलें कि आज हम आनंद लेने जा रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स होके, हल्के होके मेंटली आप इस बात को आप देखेंगे और आप मेरे साथ ऊर्जा के स्रोत में बहेंगे तो आपको आनंद आएगा, ठीक है। जो भी चक्रास की एनर्जी है, जो भी आपको रंग दिखाए जाते हैं उन पे आप अच्छे से फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे और लगातार उन रंगों की दुनिया को आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि फिजिकल बॉडी गायब हो जाएगा और सिर्फ एक कलरिंग बॉडी रह जाएगी, बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो आप सभी तैयार है मेरे साथ? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी मुझसे, ताकि क्योंकि ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट आपने छोड़ दिया तो फिर रास्ते में यदि आप ज्वाइन करेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे मंजिल तक। तो थोड़ा सा हम समय लेते हैं। नमस्कार राजेंद्र सर, नमस्कार नीरज सर, आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। और अच्छा लगता है सबको देख के कि सभी तैयार हैं योगा से, योगा सोसाइटी के साथ में, कि किस तरह से हम योग को, योग का मतलब होता है दो और दो का योग करो, बचपन में हमको पढ़ाया जाता था, इसका मतलब है कि जोड़ो। और यहाँ पे जोड़ना है हमारे माइंड को हमारी बॉडी से, बॉडी को हमारी माइंड से। जब ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ में जीवन में वर्क करने लग जाएंगे तो फिर एक आनंद में जीवन आपका हो जाएगा। और बॉडी माइंड सोल ये जो है एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, हार्मनी जनरेट हो जाएगी, होलिस्टिक हेल्थ हमको मिलेगी, ठीक है। तो ये आज हम योग करने जा रहे हैं, अपने आप का, अपने आप के साथ जुड़ाव करने जा रहे हैं, जहां बाहरी दुनिया से कट ऑफ होके आंतरिक दुनिया की तरफ हम बढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आप सभी तैयार हो जाएं, अच्छे से आप बैठ जाएं, समय हो चुका है। तो अब मेरी घड़ी ये कह रही है कि समय हो चुका है, तो समय का पाबंद होना हमें योग में जीवन सिखाता है, पंक्चुअलिटी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं। और आरंभ करने से पहले सारे इष्ट देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप मुझ में ऊर्जा बन के पधारे आए। सो बी रेडी विथ मी। आइए दोनों हाथ जोड़ें, कमर बिल्कुल सीधी, मन प्रसन्न, आंखें ढीली, ललाट ढीला, और धीमी धीमी लंबी गहरी श्वास लेते हुए ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद ये श्वास को बड़ी अमृत समझ के शरीर के अंदर पीजिए। ईश्वरीय सत्ता के बहाव को अपने आप के अंदर महसूस करें और उतने ही शांत और रिलैक्स होकर धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपने शरीर को स्थिर होता हुआ, अपने माइंड को रिलैक्स होता हुआ, हल्का होता हुआ, शांत होता हुआ महसूस करेंगे। आइए फिर से प्रसन्न भाव से श्वास की धार को हमें बंद आंखों से देखना है, और इस तरह से जैसे अमृत पी रहे हैं वैसे श्वास की द्वार को प्रफुल्लित मन से, प्रसन्न मन से शरीर के अंदर पीना है। और पीते समय ये मानना है कि इस श्वास की धार हमारे रोम रोम के अंदर पहुंच रही है, अमृत का बहाव सारे संपूर्ण शरीर के अंदर हमें महसूस करना है, ताकि शरीर की पवित्रता अंदर से एक बार क्रिएट हो जाए और उतने ही तसल्ली भाव से धीरे धीरे शरीर में से श्वास को बाहर की तरफ छोड़े। एक बार और पुनः चित्त मन बिल्कुल शांत करके श्वास लें। इतनी ही शांति से, एक धार में शांति से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें।
दोनों हाथ नीचे करके थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अपने सीधे हाथ के अंगूठे से सीधे नोस्ट्रल को बंद कर लें ताकि नाड़ियों में श्वास पर श्वास का बहाव अच्छा हो जाए। धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए धीरे धीरे राइट से श्वास बाहर की तरफ छोड़ें। इतनी ही तसल्ली भाव से ये दोनों जो नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, दोनों नोस्ट्रल जो हैं वो आपकी प्रमुख नाड़ियां हैं शरीर की, वापस से आप राइट से श्वास भरें, राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ें। फिर धीरे धीरे श्वास की धार को मानो कि सीधा कमर में, रीढ़ की हड्डी में, आपके मेरुदंड में ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएं। पूरा नीचे तक पहुंचाने का अभ्यास करें। उतनी ही धीरे धीरे कमर को वैसे ही सीधा रखते हुए श्वास के धार अपने सीधे नोस्ट्रल से आप बाहर की तरफ निकाल दें। फिर से बड़ी कोमलता से सीधे नोस्ट्रल से श्वास की धार शरीर के अंदर लें। और बाहर छोड़ दे तसली भाव से, उल्टे नोस्ट्रल से। अब बड़ी आंखें बंद ही रखते हुए बड़ी कोमलता से अपने हाथ को नीचे कर दें। अपने ध्यान को अपने नाभि कमल पर केंद्रित करें, अपनी नाभि पे ले जाएं, अपनी आंखें वहीं पे टिकाएं। प्रसन्न मन से शांत चित्त होके श्वास की धार को अपनी नाभि कमल तक पहुंचाइए। आपके गले से आपके अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, आपके डायफ्राम से होती हुई श्वास आपकी नाभि कमल तक पहुंचती हुई उतने ही तसली भाव से धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़ दें। छोड़ने के बाद में थोड़ी देर के लिए कपालभाति प्राणायाम शुरू कर दें। बिल्कुल शांत चेहरा यूं ही शांत रहेगा आपका। श्वास लगातार छोड़ते चले जाएं। अपनी आंखों को अपने पेट पे टिका के रखें, अपने ललाट पे भी आप टिका सकते हैं। अंदर से हम शरीर को तैयार कर रहे हैं चक्राज एक्टिवेशन के लिए। ये रिलैक्स हो जाए। बड़ी शांति से कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए फिर से श्वास की धार को नाक से सीधा अपने मस्तिष्क के अंदर ले जाके मस्तिष्क से पीछे अपने सर्वाइकल रीजन से मेरुदंड के अंदर पिरोने का प्रयास करें। और धीरे धीरे श्वास की धार को अपने टेल बोन तक, अपने बॉटम तक लेके जाएं और देखते चले जाएं श्वास जा रही है नहीं जा रही है। किस तरह से आप अभ्यास कर रहे हैं, श्वास की धार को बहुत धीमा चलाना होगा, धीरे चलाना होगा ताकि आपकी श्वास की धार नीचे तक पहुंच पाए। पूरा मेरुदंड आपका अंदर से एकदम साफ। फिर से श्वास की धार लेके जाइए। जब आप लेके जा रहे हैं श्वास की धार, तो श्वास की धार का रंग जो है वह आप सफ़ेद मानिए। मेरुदंड में उतरती हुई ये ऊर्जा सफ़ेद कलर के सारे मेरुदंड के अंदर एक प्रकाश, एक रोशनी बिखरती हुई, फैलती हुई। कमर बिल्कुल सीधी, कमर पे आपका ध्यान पूरा टिका हुआ, कमर आपकी शाइन करती हुई, चमकती हुई, मेरुदंड आपका चमकता हुआ। अपनी आंखों को वहीं पे केंद्रित करें।
श्वास प्रश्वास की क्रिया लगातार चलने दें। हर बार सफेद कलर की श्वास की धार को, ऊर्जा को अपने मेरुदंड के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ पिरोएं। आंखें आपकी मेरुदंड पे टिकी हुई, मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा। और साधारण शब्दों में हम समझाएं आपको तो मानो कि पीछे आपके शरीर पे ट्यूबलाइट की जैसे एकदम मेरुदंड सीधा और अंदर से बिल्कुल खोखला, खाली और चमकदार शाइन करता हुआ। श्वास की धार हर बार उसको और चमकाती हुई, उसकी पवित्रता को बढ़ाती हुई, उसको और सहज और सरल करती हुई। अपने ध्यान को बिल्कुल नीचे बॉटम पे ले जाएं, पेरिनियम के वहां पे सीधा आपकी रीढ़ की हड्डी पे, मेरुदंड पे एक चक्र को देखें, एक डिस्क को देखें जो फिक्स है वहां पे, अभी स्थिर है, और उसका रंग जो है वो डार्क ब्राउन कलर मिक्स विद डार्क रेड कलर, एकदम ब्राइट चमकदार। धीरे धीरे बड़ी सरलता से, कोमलता से अपने ध्यान को उस ब्राउन कलर के चक्र से ऊपर लाएं, पांच उंगल ऊपर, नाभि से दो उंगल नीचे, सीधा आपके मेरुदंड पे। वहां पे अपने ध्यान को, अपनी आंखों को फिक्स करें, ध्यान को केंद्रित करें, और दूसरा एनर्जी सेंटर वहां पे देखें, चक्र को फिक्स देखें मेरुदंड के चारों तरफ। उसका रंग है ब्राइट ऑरेंज कलर, एकदम चमकदार नारंगी कलर। उससे नीचे जो चक्र है उसको मूलाधार चक्र कहा जाता है, और उससे ऊपर जो चक्र है जिसको स्वाधिष्ठान चक्र हम कहते हैं, ऑरेंज कलर का, नाभि से दो उंगल नीचे सीधा आपकी मेरुदंड पे। बड़ी कोमलता से, सरलता से, जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने नाभि कमल से सीधा अपने पीछे मेरुदंड पे केंद्रित करें। वहां पे आप तीसरा चक्र देखें जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, और जिसका रंग है ब्राइट येलो कलर, बहुत चमकदार पीले रंग का डिस्क चक्र वहां पे फिक्स आपके मेरुदंड पे। अभी आपको तीनों चक्र दिखाई देते हुए यदि हम टॉप से बॉटम की तरफ चलें तो येलो कलर का चक्र, उससे नीचे ऑरेंज कलर का चक्र, और उससे नीचे आपके मूलाधार पेरिनियम पे आपके डार्क रेड मिक्स विद ब्राउन कलर चक्र। बड़ी सुंदर, बड़ी चमकदार ये चक्र हमको दिखाई पड़ते हुए। आइए बड़ी कोमलता से अपने ध्यान को अपने हृदय कक्ष के बीच में लगाइए। हृदय कक्ष के बीच से सीधा पीछे अपने मेरुदंड पे अपने ध्यान को केंद्रित करिए, अपनी आंखों को केंद्रित करिए, और अपने मेरुदंड के वहाँ पे, उस लोकेशन पे एक और चक्र को आप देखिए जिसका रंग है ब्राइट ग्रीन कलर, एकदम ब्राइट चमकदार हरा रंग।
उस पर अपनी आंखों को केंद्रित करें, उस चक्र को आप देखें। यदि हम टॉप से बॉटम की तरफ चलें तो ग्रीन कलर का चक्र हृदय कक्ष के बीच से सीधा आपकी स्पाइन पे, मेरुदंड पे, आपकी नाभि से सीधा मेरुदंड पे आपके येलो कलर का चक्र, और नाभि से दो उंगल नीचे पेरिनियम से 5 fingers ऊपर आपका स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर का चक्र और डिस्क आपको दिखाई पड़ती है, और सबसे नीचे आपको ब्राइट चमकदार डार्क रेड कलर मिक्स विद ब्राउन कलर चक्र आप देखने का प्रयास करें। बड़ी कोमलता से, सरलता से अपनी आंखों को टिका के रखें। यदि हम बॉटम से टॉप की तरफ आएं धीरे धीरे तो ब्राउन कलर का चक्र, फिर आप ऑरेंज कलर का चक्र देखें, उनकी लोकेशन पे अपनी आंखों को फिक्स करें, उनके रंग को देखें, उनकी चमक को देखें। उसके बाद में येलो कलर का चक्र नाभि के सीधे से, और उससे ऊपर आप आ जाइए चौथा चक्र आपके हृदय कक्ष के बीच से सीधा आपके स्पाइन पे, डार्क ब्राइट ग्रीन कलर का चक्र। बड़ी कोमलता से अपने ध्यान को, आनंद भाव से, सरलता से अपने ध्यान को अपने थ्रॉट एरिया पर केंद्रित करें, अपने कोलोबोन के ठीक बीच से सीधा आपके स्पाइन पे। वहां पे आप पांचवा चक्र देखें जिसका रंग है ब्राइट ब्लू कलर। आप इस रंग का चक्र, आप मोर की गर्दन का जो रंग होता है वो भी आप देख सकते हैं, ब्राइट एकदम चमकदार, शाइन करता हुआ, चमकता हुआ। पांचों चक्र आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सारे कलरिंग कलरफुल चक्र आपको अपनी मेरुदंड पे दिखाई पड़ते हुए। अपने ध्यान को बड़े कोमलता से, बड़ी सरलता से आंखों को ढीला छोड़ते हुए, ललाट को ढीला छोड़ते हुए अपने ध्यान को दोनों आईब्रोज के बीच से सीधा मस्तिष्क के अंदर एक पॉइंट पे केंद्रित करें। वहां पे आप छठा चक्र देखें जिसका रंग है सिल्वर कलर, चांदी सा चमकदार, शाइन करते हुए। यदि हम टॉप से बॉटम की तरफ चलें तो आपकी दोनों आईब्रोज के सीधे से सीधा मस्तिष्क के अंदर चांदी के रंग का ब्राइट सिल्वर कलर का चक्र, फिर आपके थ्रॉट एरिया से ब्राइट ब्लू कलर का चक्र, आपके हृदय कक्ष के बीच से सीधा मेरुदंड पे ग्रीन कलर, ब्राइट ग्रीन कलर चमकदार चक्र देखें। उससे नीचे आपके नाभि के सीधे से सीधा पीछे मेरुदंड पे ब्राइट पीला कलर चमकदार चक्र देखें। उससे नीचे आप आए और स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर का चक्र देखें, नाभि से दो उंगल नीचे सीधा आपके मेरुदंड पे, और सबसे नीचे पेरिनियम से सीधा आपके मेरुदंड पे आप ब्राइट रेड कलर, बहुत ब्राइट मिक्स विथ भूरे कलर या ब्राउन कलर का चक्र को देखें। अपने कमर को बिल्कुल सीधा रखिएगा, मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा, नीचे से ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं वापस से, ब्राउन कलर अपनी आंखों को टिकाइएगा, फिक्स करिएगा, ऑरेंज कलर चक्र, येलो कलर चक्र, उन स्थान को विजिट करना है मेरुदंड पे, ग्रीन कलर का चक्र, आपके ब्लू कलर का चक्र, ऊपर आ जाइए दोनों आईब्रोज के बीच से मस्तिष्क के अंदर सिल्वर कलर का चक्र। थोड़ा और ध्यान अपने मस्तिष्क के ठीक ऊपर लगाइए, और वहां पे आप एक चक्र देखिए, विभिन्नता लिया हुआ, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स लिया हुआ चक्र, रेनबो कलर्स। ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक आपको सातों चक्र बिल्कुल व्यवस्थित एक लाइन में आपको दिखाई पड़ते हैं। मेरुदंड आपका सीधा। अब अपने ध्यान को सीधा बॉटम पे ले जाइए, और ये मान के चले कि जो टेलबोन है, मेरुदंड का जो सबसे निचला हिस्सा है, वो खुला हुआ है।
वो वहाँ से बंद नहीं है, और बहुत सारी ऊर्जा को, बहुत सारे प्रकाश को अपने बॉटम के वहाँ पे देखिए, बहुत सारे, जैसे आप उजाले के ऊपर बैठे हैं ऐसा आप मान के चलिए। अब श्वास की धार को नीचे से ऊपर की तरफ आपको अपने फोकस, अपने कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से श्वास को ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हमें उठाना है। जब हम श्वास को नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे, पुल करेंगे, अपनी मेरुदंड के, अपने टेल बोन के वाले हिस्से से, तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि वो वहाँ से पूरा उजाला उठ के आपने इकट्ठा करके, और सारे ध्यान को अपने पहला जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो ब्राइट रेड कलर मिक्स विथ ब्राउन कलर वाला चक्र है, वहाँ पे उस ध्यान को, उस ऊर्जा को उठा के केंद्रित करके स्टोर करेंगे। जाइए ध्यान को वहाँ पे केंद्रित करिए। जैसे ही आप श्वास को नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हल्का सा आपका रेक्टम एनस एरिया ऊपर की तरफ उठेगा और हल्का सा आपका पेरिनियम वाला पोर्शन जो है वो टाइट होगा। आइए जाइए नीचे ध्यान को केंद्रित करिए, बहुत सारा उजाला देखिए, और नीचे से ऊपर की तरफ श्वास को खींचना है हमें। जाइए श्वास भरिए, अपने ध्यान को पूरा केंद्रित करिए मूलाधार चक्र पे, और उस उजाले को पाके, उस एनर्जी को पाके, उस चक्र के अंदर एक एनर्जी का प्रभाव होता हो, और वो धीरे 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 वो चक्र गति लेता हुआ स्पीड धीरे 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 धीरे, और उसका रोटेशन बढ़ता हुआ, चक्र घूमता हुआ डिस्क के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, वैसे उसको घूमता हुआ देखे, और वो घूमता चारों तरफ से एक ब्राउन कलर के, एक डार्क रेड कलर के प्रकाश को बिखेरता हुआ, फैलाता हुआ, अपने ध्यान को फिर से अपने बॉटम पे ले जाइए, और वहां से एनर्जी को हमें खींच के ब्राउन चक्र के बीच में से एनर्जी को लिफ्ट अप करके हमको ऑरेंज कलर के चक्र पे, सेकंड चक्र पे लेके आना है, स्वाधिष्ठान चक्र पे। जाइए फिर से अपने कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से, अपने ध्यान की ताकत के माध्यम से नीचे से शरीर से एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाइए एनर्जी को, इनहेल, केंद्रित करिए एनर्जी को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे, ऑरेंज कलर के एनर्जी सेंटर पे, और वो एनर्जी पाके वो ऑरेंज कलर का एनर्जी सेंटर भी गति लेता हुआ, घूमता हुआ, स्टार्ट होता हुआ, और गति लेता हुआ, घूमता हुआ, रोटेशन लेता हुआ, और घूमता उस चक्र को बहुत 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 धीरे धीरे स्पीड उसकी बढ़ते हुए देखिए, गति उसकी बढ़ते हुए देखिए, और चक्र आपका घूमता हुआ और स्पीड लेता हुआ, और वो नीचे वाले से भी अधिक स्पीड लेता हुआ, ब्राउन चक्र से भी अधिक स्पीड आपकी ऑरेंज कलर के चक्र की होती हुई उसका दायरा बढ़ता हुआ चक्र का, और वो चक्र स्पीड लेता हुआ और बहुत सारी, बहुत स्ट्रांग एनर्जी फेंकता हुआ चारों तरफ, उस ऑरा जनरेट होता हुआ ऑरेंज कलर का, अपने पूरे पेल्विस एरिया को, अपने नाभि के निचले हिस्से को ऑरेंज कलर से पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ। चक्र को घूमता हुआ देखें, दोनों चक्र अभी आपकी एक्टिव स्थिति में। अब हम एनर्जी को बॉटम से फिर से उठाएंगे दोनों चक्रों को भेदते हुए, अर्थात दोनों चक्रों के बीच में से एनर्जी को हम उठाते हुए अपने तीसरे चक्र पर केंद्रित करेंगे, नाभि से सीधा पीछे येलो कलर के चक्र तक एनर्जी को उठा के लाएंगे। जाइए दोस्तों फिर से नीचे जाइए, और श्वास की धार से अपने कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाइए, प्रकाश को ऊपर की तरफ उठाइए टेल बोन से, स्टार्ट करिए इनहेल करना, इनहेल एंड लिफ्ट अप द एनर्जी फ्रॉम ब्राउन, एंड लिफ्ट अप द एनर्जी फ्रॉम ऑरेंज, एंड लिफ्ट अप द एनर्जी एट योर नेवल एट द मणिपुर चक्र, और वहां पे वो येलो कलर का चक्र है वो धीरे 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 एक्टिवेट होता हुआ, धीरे धीरे उसका रोटेशन स्टार्ट होता हुआ, और घूमता हुआ और स्पीड लेता हुआ, और उसकी जो गति है, घूमने की जो स्पीड है, वो आपके नीचे वाले चक्र से भी ज्यादा, ऑरेंज से भी ज्यादा, तो बहुत स्ट्रांग लाइट को वो आपके पूरे स्टमक एरिया पे स्प्रेड करता हुआ, फैलाता हुआ आप देखें। तीनों चक्र अभी आपके शरीर के अंदर एक्टिव स्थिति में। जाइए नीचे जाइए और आनंद लीजिए, फिर से नीचे चले जाइए पूरा बॉटम पे, तीनों चक्रों को भेदते हुए अपनी श्वास की धार के कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से, श्वास की धार के माध्यम से नीचे से एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाइए, और उठा के हमें ग्रीन चक्र हृदय कक्ष के बीच से सीधा मेरुदंड पे हमको अपने ध्यान को, अपनी एनर्जी को लिफ्ट अप करके लेके आना है। जाइए नीचे उतर जाइए, फिर से उठाइए श्वास की धार को नीचे से ऊपर की तरफ,
उठाइए ब्राउन चक्र से, उठाइए एनर्जी को ऑरेंज से, उठाइए एनर्जी को येलो से, उठा के एनर्जी को सीधा अपने हृदय कक्ष के बीच से, सीधा आपके पीछे मेरुदंड पे आप जो ग्रीन कलर का जो रंग है, जो चक्र है, वो आपका घूमता हुआ स्पीड लेता हुआ, वो एक्टिव होता हुआ और गति लेता हुआ, गति लेता हुआ, गति लेता हुआ, ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है कि उसमें और भी अधिक गति आती हुई और आपकी येलो कलर के चक्र से भी अधिक वो स्पीड पकड़ता हुआ घूमता हुआ, और उस घूमते हुए रंग जो चक्र है ग्रीन कलर का, जब वो घूम रहा है तो ग्रीन कलर की लाइट चारों तरफ से आपके शरीर के चारों तरफ बिखरती हुई, उस लाइट को शरीर का कोई दायरा नहीं है, उस लाइट को शरीर से बाहर भी आता हुआ देखें, इतना स्ट्रांग उजाला चारों तरफ ग्रीन कलर का प्रकाश बिखरता हुआ। अभी चारों चक्र आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक चारों चक्र आपको एक उनके रंगों को देखें, उसके प्रकाश को देखें, उसके ऑरा को देखें, उसके दायरे को देखें, उनकी स्पीड को देखें, उनकी चमक को देखें। जाइए फिर से नीचे उतर जाइए। अब इन चारों चक्रों को भेज देते हुए हम एनर्जी को उठाएंगे अपने थ्रोट चक्रा पे और विशुद्धि चक्र जिसको कहा जाता है, जो कि जिसका रंग होता है नीला कलर। फिर से नीचे चले जाइए, श्वास की धार पे फोकस लगाइए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाइए। श्वास की धार को हमें धीमा चलाना है क्योंकि चारों चक्र से उठा के हमको एनर्जी को गले तक लेके आना है मेरुदंड के वहां पे। जाइए नीचे उतर जाइए, फिर से रीढ़ की अपने मेरुदंड के बीच में से एनर्जी को उठाइए, स्टार्ट करिए इनहेल करना, इनहेल करिए, उठाइए एनर्जी को, उठाइए एनर्जी को ऑरेंज चक्र से, उठाइए एनर्जी को येलो चक्र से, उठाइए एनर्जी को ग्रीन चक्र से, और उठा के एनर्जी को सीधा अपने थ्रॉट एरिया पे केंद्रित करिए और वहां पे वो एनर्जी को पाके वो ब्लू कलर का चक्र जो है वो धीरे 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 एक्टिव होता हुआ, एक्टिव होता हुआ, एक्टिव होता हुआ, एक्टिव होता हुआ, और उससे नीचे वाले से भी ग्रीन चक्र से भी ज्यादा स्पीड पकड़ता हुआ और पूरा बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ी एनर्जी प्रकाश चारों तरफ बिखेरता हुआ। अभी शरीर के अंदर ये पांचों चक्र आपको बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम की तरफ उनको देखिए, एक लाइन में चारों चक्र घूमते हुए और अपनी अपने दायरे के अंदर एनर्जी को स्प्रेड करते हुए अपने फिर से अपने ध्यान को हम एनर्जी को उठा के दोनों आईब्रोज के बीच से सीधा मस्तिष्क के अंदर लेके आएंगे। तो फिर से आप नीचे चले जाइए, इन पांचों चक्र को भेज देते हुए एनर्जी को हमें ऊपर उठाना है। जाइए नीचे, नीचे जाके श्वास की धार के माध्यम से अपने ध्यान को पूरा अपने मेरुदंड पे लगा के रखना, सीधा एकदम ऊपर एनर्जी को हमें लेके आना है पांचों चक्र को भेज देते हुए, उन पांचों चक्र के बीच में से एनर्जी को उठा के लेके आना है। जाइए नीचे, नीचे जाइए, ध्यान लगाइए, फोकस करिए, आइए श्वास की धार को स्टार्ट करिए लेना, नीचे से स्टार्ट करिए, इनहेल स्टार्ट करिए, उठाइए एनर्जी को ब्राउन से, उठाइए एनर्जी को ऑरेंज से, उठाइए एनर्जी को येलो से, उठा के लाइए, लाइए ऊपर आपके ग्रीन चक्र, ग्रीन से लाइए आपके ब्लू चक्र, ब्लू से एनर्जी को पूरा कमर और सीधी और एनर्जी को उठा के लाइए मस्तिष्क के अंदर। वहां पे आपका जो सिल्वर कलर का, ठंडे कलर का जो चक्र है वो घूमता हुआ घूमता हुआ, शांत तरीके से घूमता हुआ और घूमता हुआ घूमता हुआ, और उसने और अधिक स्पीड ले ली है, वो नीचे वाले चक्र से भी और अधिक घूमता हुआ और पूरा दायरा, एक बहुत बड़ा दायरा उसका फैलता हुआ और चारों तरफ सिल्वर कलर का, चांदी के रंग का प्रकाश बिखरता हुआ। उसके रिफ्लेक्शन को देखें अपने चेहरे पे, अपने मस्तिष्क के अंदर, अपनी गर्दन पे, उससे नीचे रिफ्लेक्शन को देखें ब्लू कलर के, आपके दोनों शोल्डर्स, आपके अपर चेस्ट, आपकी गर्दन, आपका थ्रॉट एरिया बिल्कुल कवर हुआ हुआ। उससे नीचे चक्र जो घूम रहा है हरे कलर का, उसने पूरा आपका चेस्ट एरिया कवर कर रखा है। उससे नीचे जो चक्र घूम रहा है आपका येलो कलर का, उसने पूरा आपका स्टमक एरिया कवर कर रखा है। उससे नीचे जो चक्र आपका घूम रहा है ऑरेंज कलर का, उसने पूरा आपका बिलोदी नेवल पोर्शन आपका एक्टिवेट करके कवर कर रखा है। और नीचे बिल्कुल बॉटम पे एकदम डार्क रेड कलर मिक्स विद ब्राउन कलर का चक्र, छह चक्र आपको शरीर के अंदर चलते हुए दिखाई पड़ते हुए। अब इन छह चक्रों से हमें एनर्जी को उठा के सीधा टॉप पे लेके आना है। तो वापिस से नीचे उतर जाइए, बिल्कुल आनंद लीजिए, जाइए नीचे उतर जाइए। अब श्वास की धार को बहुत ध्यान से हमें उठाना पड़ेगा, बीच में श्वास की धार हमारी टूटनी नहीं चाहिए। सारे चक्रों को भेदते हुए भेदते हुए भेदते हुए हमें शरीर नीचे से ऊपर की तरफ पूरी उस लिफ्टअप करके लेके आना है एनर्जी को। जाइए नीचे, श्वास की धार लेना शुरू करिए, इनहेल स्टार्ट, इनहेल लिफ्टअप द एनर्जी फ्रॉम ब्राउन एंड लिफ्टअप द एनर्जी
from your orange color chakra, lift up the energy from yellow, and lift up the energy from green, and lift up the energy from blue, and lift up the energy from silver color chakra, and lift up the energy at the top at your crown chakra. And there you visualize very, very fast speed. सबसे ज्यादा स्पीड उस चक्र की और मल्टी कलर बिखरता हुआ फैलता हुआ ऊपर से लेके नीचे तक उन सारे चक्रास को एक्टिव पोजिशन में अपनी अपनी गति और स्पीड के साथ में आप देखें, उससे फैलते हुए प्रकाश को चारों तरफ देखें। सबसे ऊपर से हम यदि नीचे की तरफ चलें तो टॉप से आपके मल्टी कलर विभिन्नता लिया हुआ ब्राइट कलर्स चारों तरफ बिखरते हुए, फिर सिल्वर कलर का ऑरा चारों तरफ बिखरता हुआ, उसके बाद ब्लू कलर का ऑरा चारों तरफ बिखरता हुआ विशुद्धि चक्रा से, अनाहत चक्रा से ग्रीन कलर का ऑरा चारों तरफ बिखरता हुआ, मणिपुर चक्रा से येलो कलर का ब्राइट सनलाइट जैसा ऑरा चारों तरफ बिखरता हुआ, उससे नीचे ऑरेंज कलर का चक्र चारों तरफ एनर्जी को बिखेरता हुआ, उससे नीचे ब्राउन कलर का मूलाधार चक्र चारों तरफ एनर्जी को बिखरता हुआ। अब अपने आप को इस एनर्जी इन एनर्जी सेंटर्स की ऊर्जा पे समर्पित कर लीजिए। लगातार ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक इन चक्रास के कलर्स को देखिए, उनसे फैलने वाली स्प्रेड होने वाली एनर्जी को देखिए। शरीर के रोम रोम तक जिस भी एरिया में वो चक्र घूम रहे हैं वहाँ के उस पर्टिकुलर एरिया को और स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेंथ कर देते हुए, मजबूत बनाते हुए, प्यूरिफाई करते हुए, शरीर में जहाँ भी आपके विकार हैं, दोष हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस करके ये मान के चलें कि वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया पे जो भी चक्र है स्थित, वो चक्र की एनर्जी उस एरिया को हील करती हुई, ठीक करती हुई नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक लगातार उन एनर्जी सेंटर्स की एनर्जी को अपने शरीर के अंदर देखें। उनकी एनर्जी इतनी ताकतवर है, इतनी ऊर्जा से भरपूर है कि आपकी जो शरीर की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करके वो एनर्जी बाहर निकलती हुई और शरीर के चारों तरफ उस एनर्जी का दायरा ऊर्जा देखें। कुछ पलों के लिए आप ऐसा विजुलाइज करें कि आपका कोई ये फिजिकल बॉडी नहीं है, आप एक कलरफुल कलरिंग बॉडी को लेके बैठे हैं जिनके रंगों को विभिन्नता लिए हुए रंगों को देखने का एक बहुत ही आनंद आ रहा है। उनकी चमक को देख के आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है। रोम रोम ऊर्जावान हो रहा है। शरीर के चारों तरफ एक कलरफुल प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट हो रही है। समर्पण भाव से समर्पित कर दीजिए इन एनर्जी सेंटर्स की ऊर्जा को, अपने माइंड को, अपने शरीर को, अपने इमोशंस को। और इन चक्रास की एनर्जी को समय दीजिए एकदम शांत और स्थिर ध्यान एकाग्रता सजगता पूरी कि हम देख पा रहे हैं चक्रों की एनर्जी को, उनके रंगों को। और वो रंग चारों तरफ से हमें प्रोटेक्ट करता हुआ शरीर के रोम रोम को पवित्र करता हुआ लगातार नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर ले से लेके नीचे तक अपनी कलरिंग बॉडी को आप देखें। अपने आप को बहुत ही सुरक्षित
महसूस करें चारों तरफ से। बड़ी कोमलता से, श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से अपने ध्यान को फिर से सहस्रार चक्र पे लगाएं और दोनों हाथ जोड़ के उस सहस्रार चक्र की जो एनर्जी है क्राउन चक्र की, जो सबसे ऊपर चक्र है मल्टी रंग लिया हुआ, उससे जो आने वाली एनर्जी है चारों तरफ घूम रहा है जो चक्र, उसकी एनर्जी को नमन करें, प्रणाम करें। आभार व्यक्त करें। वन टू वन कनेक्शन, वास्तव में वो चक्र आपकी बात सुनता हुआ, और उस चक्र से प्रार्थना करें कि अब आप शांत हो जाइए। धीरे धीरे उस चक्र को स्पीड को कम होता हुआ देखें, वापस से स्थिर होता हुआ देखें। बहुत सारा आभार व्यक्त करें। अपने ध्यान को अपने दूसरे चक्र पर केंद्रित करें। हम टॉप से बॉटम की तरफ चल रहे हैं, तो दूसरा चक्र आपका आज्ञा चक्र, चांदी के रंग का चक्र। चारों तरफ से खूब एनर्जी, खूब प्रकाश बिखेर के आपके शरीर को, आपके मन को पवित्र किया है, उसका आभार व्यक्त करें और शांत होने के लिए प्रार्थना करें। अब शांत होता हुआ देखें, स्थिर होता हुआ देखें। अपने ध्यान को अपने गले पे लगाइए, थ्रॉट एरिया पे। उस चक्र की एनर्जी को प्रणाम करें, विशुद्ध चक्र के, शांत होने के लिए प्रार्थना करें। प्रसन्न मन से आभार व्यक्त करते हुए और आपका आभार वो स्वीकार करते हुए चक्र को शांत होते हुए देखें, स्थिर होते हुए देखें। ध्यान को अपने हृदय कक्ष के बीच में केंद्रित करके सीधा पीछे ग्रीन कलर के चक्र पे लगाएं। उस चक्र की एनर्जी को प्रणाम करके आभार व्यक्त करें, आपका आभार स्वीकार करते हुए चक्र शांत होते हुए। अपने ध्यान को नाभि चक्र पे लगाइए, नेवल चक्र पे। येलो कलर के चक्र से आप प्रार्थना करते हुए आभार व्यक्त करते हुए और धीरे धीरे वो चक्र आपको सारी ऊर्जा देके, एनर्जी देके अब शांत होता हुआ और नीचे चले जाइए। नाभि से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पे उस ऑरेंज कलर के चक्र को आभार व्यक्त करिए, धन्यवाद दीजिए। और आपका धन्यवाद, आपका आभार स्वीकार करते हुए उस चक्र को शांत होते हुए देखिए। अपने ध्यान को अपने बॉटम पे ले जाइए और मूलाधार चक्र को शांत होते हुए देखिए। सातों चक्र एक अलाइनमेंट में एकदम सीधे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। जब ये सातों चक्र एक लाइन में है तो हमेशा हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा शरीर प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। ईश्वरीय सत्ता से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझ बनाया कि हम आपकी दी हुई इस एनर्जी को समझ पाएं और जीवन में आगे बढ़ पाए। मन बिल्कुल शांत, चित्त बिल्कुल शांत, शरीर एकदम शांत। आप जिस भी स्थान पे आप हैं उस स्थान पे एकदम बिना आंखें खोले शरीर को ढीला शवासन में छोड़ दीजिए। और यदि आप बैठे हैं तो अपने दोनों पैर आप खोल लीजिए, आंखें आपकी बंद ही रहेगी। दोनों पैर आप खोल लीजिए और या तो बल का सहारा ले लीजिए, अपनी गर्दन वॉल पे टिका दीजिए और एकदम शांत पैर ढीले छोड़ दीजिए।
यदि पैरों में आपको झंझनाहट फील हो रही है तो शरीर को कमांड दीजिए, कोई बात नहीं, अपने आप वो झंझनाहट थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। संपूर्ण शरीर के अंदर एक एनर्जी का बहाव, ऊर्जा का बहाव, और शरीर एकदम ढीला पड़ा, एकदम शांत, दोनों हथेलियां ढीली, चेहरा शांत, मन शांत। मन में खूब सारा आनंद भाव, श्वास आपके बहुत सरल सहज चलते हुए, चिता आपका एकदम शांत, शांति आपके चेहरे से आपके आंखों से बाहर की तरफ झलकती हुई, ललाट आपका ढीला, यदि आप लेटे हुए हैं तो उल्टे हाथ की तरफ करवट लें, उल्टे हाथ का तकिया बना लें, थोड़ा शरीर को और विश्राम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, शरीर को बहुत हल्का, मन को बहुत शांत महसूस करें। अपने आप के अंदर रहने की जो आनंद की अनुभूति है, उस आनंद की अनुभूति का भी आनंद लें। अब इतने ही शांत मन और शांत जिससे आंखें बंद रखते हुए ही आराम से आके बैठे। आप चाहें तो आलकती पालकती लगा के बैठ जाएं सुखासन में, दोनों हाथों से आपकी मुद्रा बनी हुई, मेरुदंड आपका कंफर्टेबल, एकदम शांत, मन शांत, चित्त शांत। अपने सीधे हाथ की हथेली को अपने उल्टे हाथ की हथेली पे गोद के मध्य में रख लें, अपनी नाभि कमल के पास, चेहरा आपका प्रसन्न, मन शांत, चेहरे से प्रसन्नता सुकून शांति झलकते हुए। अपने ध्यान को अपने ललाट के मध्य में केंद्रित करें, अपनी आंखों को ललाट के मध्य में केंद्रित करें, बड़े श्रद्धा भाव से, आदर भाव से अपनी ललाट के मध्य में भगवान शिव जी की तीसरी आंख को आप देखें। ऐसा मान के चलें कि आपके स्वयं के भी वो तीसरी आंख भगवान शिव जी की तरह आपके ललाट पर सुशोभित होते हुए, उस त्रिनेत्र की सुंदरता को आप देखें, कोमलता को आप निहारें, कितनी शांत, एकदम शांत। आधी आंख खुली हुई, ध्यान में, मुद्रा में उस शिवजी भगवान की तीसरी आंख को अपने ललाट पे साक्षात दर्शन करते हुए, अभी सिर्फ आपके ध्यान में वो आंख ही आपको दिखाई देती हुई, थर्ड आई आपको दिखाई देती, 1-to-1 कनेक्शन अभी आपका थर्ड आई से, उस थर्ड आई के बीच में आई बॉल पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, उसके मध्य में, आई बॉल के मध्य में बहुत छोटा सा शिवलिंग देखे, चांदी के रंग का शिवलिंग सुशोभित होता, उस चांदी के रंग के शिवलिंग से बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारा उजाला
ललाट में आपके चेहरे पे बिखरा हुआ, आपके संपूर्ण शरीर पे बिखरा हुआ, आपके चारों तरफ के वातावरण में उसका प्रकाश बिखरा हुआ। उस शिवलिंग के अंदर बहुत छोटे से वास्तव में शिवजी भगवान को ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ पाए दर्शन करें। बहुत ही समर्पण भाव से बहुत छोटे से शिवलिंग में शिवजी भगवान के दर्शन, और शिवजी भगवान आपको देखते हुए और आप उनके दर्शन करते हुए इतना स्ट्रांग कनेक्शन। मंत्रों के माध्यम से शिवजी भगवान को आप पुकारते हुए, शिवजी भगवान आपके मंत्र को सुन के और प्रसन्न होते हुए। श्री गणेश जी के दर्शन करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा। प्रार्थना करें ईश्वर से पूरे विश्व के लिए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए आप सभी मेरे साथ ओम का उच्चारण करें पूरे मन से, पूरे मन से। आइए श्वास लें, इन्हेल ओम।
हाथ जोड़ के प्रभु से मेरी प्रार्थना कि शांति, ये आनंद, ये सुकून, ये तसल्ली आप सभी के जीवन में हमेशा बना रहे। ईश्वर सत्ता आपको खूब आशीर्वाद दे। श्रद्धा भाव से अपने ध्यान को अपने माता पिता के श्री चरणों में लगाएं। आज के दिन का आशीर्वाद लें, अपने मेंटर्स के श्री चरणों में लगाएं, उनसे आज के दिन का आशीर्वाद लें, आशीर्वाद लें अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करके। ईश्वरीय सत्ता को, विश्व चेतना को नमन करें। ईश्वर करे ये ऊर्जा, ये एनर्जी प्रतिपल आपके जीवन में बनी रहे और जीवन में शांत, प्रसन्न और आनंद में रहते हुए आप सभी आगे बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू। कोमलता से अपनी आंखें खोलें और प्रसन्न मन से, आनंद मन से आज के दिन का स्वागत करें। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो या आपको वास्तव में आनंद आया हो, क्योंकि अपने आप में ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय एनर्जी हमारे जीवन में बहुत काम करती है, ये बात सत्य है, उसको मान लें। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कृपा करके दूसरों के साथ शेयर अवश्य करना, ताकि इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को वो भी पहचान पाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। योगा स्टे योगा सोसाइटी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि ये लॉकडाउन का समय जो है वो आनंद में समय सबके लिए बन जाए, और अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारी ताकत है, और उसको सही सदमार्ग पे आप लगाएं। चलिए, थैंक यू सो मच, और आप सभी यूं ही प्रसन्न बने रहिए, आनंद बने रहिए, अच्छे से प्रसन्न मन से भोजन बनाइए, प्रसन्न मन से घर के काम करिए, प्रसन्न मन से योग करिए, सबको समय दीजिए और अच्छे से अपने जीवन को गुजारिए, बिताइए समय, और योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए। थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी सबको प्रभावित करे, सबको प्रभावित करे, जहाँ जहाँ आप जाएं ये सकारात्मक एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ चले और आप जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच ऑल। सो सी यू टुमारो एट 6:15 लाइक 6:45 फॉर द योग क्लास। थैंक यू सो मच विनी, विनीशा, संतोष, राजेंद्र सर, जो भी मुझे देख पा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कक्षा ज्वाइन करी, और थैंक यू सो मच। हैप्पीली अपने जीवन को जिए, खुश रहें, आनंदित रहें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ दीपशिका, हाउ आर यू? रियली बड़ा आनंद आता है आप सबको देख के, ऐसा लग रहा है कि ये दूरियां सिर्फ फिजिकल दूरियां हैं, वैसे मन से तो हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, बहुत करीब हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।